माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर मैंने चाहता, जिसमें उत्तर आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सामान्य प्रशासन विभाग के अनुकंपा नियुक्ति के नियम लागू होते हैं, लेकिन शिक्षा कर्मियों के मामले में लागू नहीं होते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब से ये नियम शिक्षा कर्मियों के मामले में ये नियम लागू नहीं हो रहे हैं, और ऐसा कोई सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शिक्षा कर्मियों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आशीष छाबड़ा जी ने प्रश्न लगाया है। पहले तो सामान्य प्रशासन विभाग से अनुकंपा नियुक्ति के नियम के बारे में जानकारी उन्होंने मांगी। ख में पंचायत विभाग से उन्होंने प्रश्न कर दिया, तो दो विभाग के इसमें उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों के लिए है अध्यक्ष महोदय, लेकिन शिक्षा कर्मियों के लिए 2004 में, उसके बाद 2013 में एग्जाई आदेश जारी हुआ था, और 2018 में संविलियन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पिछली सरकार ने शिक्षा कर्मियों के संविलियन किए, उसके बाद में हमारी सरकार जब आई तब भी सभी शिक्षा कर्मियों के संविलियन कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा कर्मी के अब कैडर समाप्त हो गए। तो शिक्षा कर्मी के कैडर समाप्त हो गए तो उसके लिए अब अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान रहा नहीं, क्योंकि पद ही कैडर ही समाप्त हो गया। दूसरी बात यह है कि जब उसके पहले जो शिक्षा कर्मी थे अध्यक्ष महोदय 1269 के आसपास थे, लेकिन उसमें से 1998 से लेकर 2007 तक के जो अवधि में 152 ऐसे शिक्षा कर्मियों की मृत्यु हुई, लेकिन वो अपात्र पाए गए। बचत जो है वो किसी न किसी कारण से वो अपात्र पाए गए, और उसमें से केवल 9 ही ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय जो पात्र पाए गए थे, लेकिन क्योंकि अब काडर समाप्त हो गया है और इसलिए उनकी भी भर्ती नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके पहले जितने भी आवेदन आए गए थे 2013 से बनने के बाद, लेकिन 2018 तक के कोई भर्ती नहीं मिली। वही माननीय मुख्यमंत्री जब निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी लंबित हो गए उनको जल्द से जल्द उसका लाभ मिल जाए परिवार। चलिए, ममता चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय।